नमस्कार, खबर 4 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आपको सीधे आगरा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा निकाय केरण में संबोधित कर रहे हैं। आ रही थी, चिल्ला रही थी, जिसके लिए देश के महानियों ने अपने आप को बलिदान दिया था, लेकिन आज भारत अपने गौरव को पुनः स्थापित कर रहा है। G20 का समिट अभी हाल ही में आपके आगरा में हुआ था। G20 समिट में जो भी आगरा आया अभिभूत होकर के गया, ब्रज क्षेत्र भूत होकर के गया, ब्रज क्षेत्र की कला को देख करके, यहां की मेहमानबाजी को देख करके, यहां की सजावट को देख करके, 6 वर्ष पहले जो आगरा आए होंगे उन्हें यहां पे कूड़े का ढेर देखने को मिला होगा। आज जब G20 के समिट में आए होंगे तो आगरा स्मार्ट सिटी के रूप में नजर आया होगा। यही अंतर है, पहले कांग्रेस का फेयर इंजन था, सपा बसपा का फेयर इंजन था, आज भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की डबल स्पीड से विकास भी देखने को मिल रहा है। पहले नगरों में सोहदों का आतंक हुआ करता था, आज सोहदों का आतंक नहीं, आज हमारी सिटी सेफ सिटी हो रही है। भाइयों बहनों, पहले सपा बसपा कांग्रेस के लोग तमंचे लेकर के व्यापारियों से वसूली करते थे, आज तमंचा नहीं, युवा के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट, और टैबलेट के माध्यम से अपने टैलेंट का, टेक्नोलॉजी का, ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उपयोग उत्तर प्रदेश के निर्माण में कर रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना कालखंड में भारत ने अपने सामर्थ्य का लोहा दुनिया को मनवाया, आज दुनिया भारत के सामर्थ्य को मान रहा है। अकेला देश 140 करोड़ लोगों को फ्री में टेस्ट देता है, फ्री में उपचार की सुविधा देता है, 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेस भी देता है और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी देता है। अकेले भारत के अंदर हुआ है, करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा, करोड़ों लोगों को, 10 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में शौचालय, 8 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 45 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ, ये है नया भारत। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही यूपी का मिशन है। प्रधानमंत्री जी का विजन यूपी का मिशन, और यूपी उसी मिशन को लेकर के आगे काम कर रहा है। आज यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे, पहले जो माफिया जो अपराधी सीना तान करके चलता था, आज गले में तख्ती लटका करके जीन जान की भीख मांगता है। यह है नया उत्तर प्रदेश, अब सीना तान करके नहीं चल सकता। जो किसान पहले छिन छुका करके चलता था, आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे रहा है। जो युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज सीना चौड़ा करके जाता है, कहता मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। यह है उत्तर प्रदेश की नई पहचान। भाइयों बहनों, 6 वर्ष में हमने 54 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय दिया है, 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए हैं, और अभी तो दीपावली और होली में एक एक सिलेंडर फ्री में भी देने जा रहे हैं। गरीबों को 5 लाख रुपए की सालाना
पवन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ भी हम बढ़ चुके हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज दुनिया के अंदर छा रहा है। और इसके भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आगरा इस विकास के अभियान का हिस्सा बना है और इसी में आपने पुलिस रिफॉर्म देखा होगा। आगरा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो चुका है, ये पुलिस रिफॉर्म का हिस्सा है। बेहतरीन और सुरक्षित पुलिस निवेश की गारंटी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ यूपी में, 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 35 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे, 1 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी, 1 करोड़ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी की गारंटी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कानून व्यवस्था सुंदर हुई है। और भाइयों बहनों, आज उसी व्यवस्था के साथ मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जब बात होती है तो केवल शहरी क्षेत्र में 40,286 गरीबों को आगरा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 40,286 नगरीय क्षेत्र में हर परिवार को 2.5 लाख रुपए दिए गए। याद करिए, 17 के पहले गरीब के घर में और व्यापारी के घर में जबरदस्ती पार्टी विशेष के लोग कब्जा कर लेते थे। आज कब्जा करने वाले चले गए, आज तो गवर्नमेंट की सरकार है तो हर गरीब को मकान का पैसा मिल रहा है। स्ट्रीट वेंडर से बदमदारी वसूली होती थी, मोहल्ले का कोई गुंडा पटरी व्यवसायियों से वसूली करता था, आज पैसा वसूली नहीं होता है। आज लगभग 40,000 स्ट्रीट वेंडर से आगरा में उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है। प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को, 1 करोड़ प्रदेश के अंदर 1 करोड़ निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है, जिसमें आगरा में 1,76,707 निराश्रित महिलाएं, 50,968 दिव्यांगजन और 3,05,419 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 2,75,000 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड यहां पर जारी किए गए हैं। और भाइयों बहनों, आगरा में इस वर्ष के अंत तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, मेट्रो का संचालन भी हो जाएगा। मेट्रो आगरा मेट्रो सिटी भी हो जाएगी। 100 इलेक्ट्रिक बसें यहां पहले ही चलाई जा रही हैं। नगरीय क्षेत्र में सीएनजी की बसें भी चलाई जा रही हैं। और भाइयों बहनों, आगरा के अंदर नगर निगम आगरा का 37 वर्ष के बाद विस्तार भी किया गया है। अमृत मिशन में 587 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं पर हम लोगों ने यहां पर पैसा उपलब्ध करवाया है। 1.5 लाख परिवारों को हर घर नल की योजना से जोड़ने का कार्य और 3.25 लाख परिवारों को सीवर कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने का कार्य यहां पर हुआ है। 26,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बने हैं। नगरीय क्षेत्रों में देश के स्तर का हो। तो सीएम योगी को आगरा में आप सुन रहे थे। पीएम मोदी का जो मिशन है वही यूपी का विजन है। ये मुख्यमंत्री का दरअसल कहना, इससे पहले सीएम योगी मथुरा में भी पहुंचे थे, फिरोजाबाद में भी रैली की और आगरा में आज ये निकाय को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, जहां सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए बताया कि किस तरह से युवाओं को लगातार नौकरी दी जा रही है, प्रदेश सरकार की योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा कैसे लोगों को मिल रहा है, लाभार्थी लगातार बढ़ रहे हैं उसका आंकड़ा भी मुख्यमंत्री ने यहां पर दिया। और साथ ही G20 से
जो आगरा की पहचान और ज्यादा बेहतर हुई है, मजबूत हुई है, उस बात का भी जिक्र सीएम योगी ने यहां पर किया है। सीएम योगी ने कहा कि हम विरासत का सम्मान कर रहे हैं, आजीवन अपनी पहचान छिपाता नहीं है। वो गर्व से कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर भी बड़ा हमला बोला, कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि आगरा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया ताकि मजबूती कानून व्यवस्था की और ज्यादा बनी रहे। तो निकाय चुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, दिग्गज प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी फिरोजाबाद पहुंचे, रैली की, प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की, जनसभा को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही। राजनीति समाप्त हुई तो भारत के सशक्तिकरण की बात प्रारंभ हुई, और इस सशक्तिकरण की बात का ही परिणाम है कि करोड़ों लोगों को मकान मिल गए, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बन गए, करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। आज उत्तर प्रदेश के साथ सोनों के आतंक से भयभीत नहीं बल्कि सेफ सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। वहीं मथुरा की चुनावी जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि जैसे काशी में श्री काशी विश्वनाथ धाम बना, वैसे ही अगर आपसी सहमति हो तो श्री बांके बिहारी का धाम भी दिखाई देगा। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, ऐसे ही सभी लोग सहमत हो तो बांके बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम तब बिहारी का बन जाए। ऐसे ही बरसाना में रोपवे का निर्माण हो रहा है, उसको भी इसी प्रकार की भव्यता प्रदान कर रही। गोकुल में भी आपने देखा होगा रसनाथ की समाधि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है, इसका और भी भव्य रूप देने की आवश्यकता है। गोवर्धन को फिर से उसके पुरातन स्वरूप के साथ लेकर के जाना है। सत्रह के पहले पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के घूमते थे, व्यापारियों से वसूली करते थे, आज तमंचा नहीं, आज युवाओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं। टैबलेट उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निकाय चुनाव से पहले पार्टी नेताओं की अदला बदली का दौर भी जारी है। बीजेपी ने विपक्ष के खेमे में बड़ी सेंधमारी की, इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी के कमल पर सवार हो गए। इसी कड़ी में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ली है। रणवीर सिंह